दोस्तों आज आपको बिहार के मधुबनी जिला की उन जानकारियों को बताने वाला हूं जिसे आप नहीं जानते होंगे। उससे पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले फ्री में सब्सक्राइब कर ले। मधुबनी बिहार के दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत शहर एवं जिला है। मधुबनी एवं दरभंगा को मिथिला संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। मैथिली, हिंदी एवं उर्दू यहाँ की प्रमुख भाषा है। विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग एवं मखाना के पैदावार के वजह से मधुबनी को विश्व भर में जाना जाता है। इस जिले का गठन 1972 ईस्वी में दरभंगा जिले के विभाजन के उपरांत हुआ। पहले मिथिला पेंटिंग रंगोली रूप में आया, उसके बाद यह कागज के टुकड़े दीवार एवं अन्य स्थानों पर किया जाने लगा। मिथिला के इस चित्रकला का महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था, जिसे अब पुरुष ने भी अपना लिया है। वर्तमान में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ा दिया है। यहाँ के कलाकारों द्वारा मधुबनी रेलवे स्टेशन के दीवारों को मिथिला पेंटिंग से गुलजार किया गया, जो निःशुल्क व श्रमदान के रूप में किया गया, जिसे विदेशी पर्यटकों एवं सैलानियों द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। मधुबनी जिले की कुल आबादी 46,76,044 है और यह जिला 3,501 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस जिले में कुल आबादी का 81.39% हिंदू एवं 18.25% मुस्लिम आबादी निवास करती है। यह जिला 5 अनुमंडलों, 21 प्रखंडों व 399 पंचायतों व 1,111 गांव में बटा हुआ है। विधि व्यवस्था के लिए यहाँ पे 18 थाने हैं। पूर्ण व आंशिक रूप से मधुबनी जिला 2 संसदीय क्षेत्र व 11 विधानसभा क्षेत्र में बटा हुआ है। इस जिले की गांव की भाषा मैथिली है, जो सुनने में बहुत ही मधुर होती है। प्राचीन काल में यहाँ के वनों में मधु यानी शहद अधिक पाया जाता था, जिस कारण इस जगह का नाम मधुबनी पड़ा। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि मधुबनी शब्द मधुर जुड़वानी से विकसित हुआ है। मधुबनी के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में दरभंगा, पूर्व में सुपौल तथा पश्चिम में सीतामढ़ी जिला स्थित है। इस जिले में नदियों का जाल बिछा हुआ है, जो बरसात के दिनों में लोगों के तबाही का कारण बनती है। मधुबनी मूलतः एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की मुख्य फसलें धान, मक्का एवं मखाना आदि है। भारत में मखाना के कुल उत्पादन का ज़्यादातर प्रतिशत इसी क्षेत्र से होता है। इस जिले में अगर आप आना चाहते हैं तो आगमन के लिए बिहार के मुख्य शहरों से सीधे राजमार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है। वर्तमान में यहां से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 2 राजकीय राजमार्ग गुजरती है। मुजफ्फरपुर से फौजगंज होते हुए पूर्णिया जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 57 मधुबनी जिला होते हुए जाती है। यह सड़क स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का हिस्सा है, जिसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहा जाता है। मधुबनी भारत रेल के पूर्व मध्य क्षेत्र के समस्तीपुर मंडल में पड़ता है। यहाँ पर आप रेल मार्ग से भी आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावे अगर आप यहाँ हवाई क्षेत्र से आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से 146 किलोमीटर दूर पटना स्थित जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा में उतरना होगा। वहाँ से आप रेल मार्ग या राजमार्ग के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। दोस्तों हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद।